गाइस वेलकम टू माय किचन बॉर्न टू कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है। सबसे पहले आप इसमें डालेंगे सब्जियां जो मैंने पहले से कट करके रखी हैं, टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन और सूजी, और साथ में मलाई। मलाई की जगह आप चाहें तो हंग कर्ड भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये है ब्राउन ब्रेड और ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स। चलिए अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं एक बड़े से बोल में। चलिए सबसे पहले ये बोल में जाएगी सूजी। इसके बाद एक एक करके ये सारी वेजिटेबल्स, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद ये मलाई, ये मिक्सचर हमारा रेडी है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करते रहिए। देखिए थिक है ना, ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है, ब्रेड पे इजीली कोट हो जाएगा। अब हमें इसमें डालना है नमक एज पर टेस्ट, ब्लैक पेपर, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये मेरे पास है चिली फ्लेक और ऑर्गेनो। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है इसमें। और ये है चिली फ्लेक्स, ये ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने मिक्स हर्ब्स, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक, नमक, मिर्च सब कुछ डाल लिया। ये देखिए कितना कलरफुल है, और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें कलर्ड बेल पेपर भी डाल सकते हैं। इधर से हमने देखिए तवा हीट करके रखा है, इसे हम पहले ऑयल या घी से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, जब वो हम ब्रेड के ऊपर कोट कर देते हैं अच्छे से इवनली। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देते हैं। थिक लेयर बनानी है हमें, ये देखिए। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी इसके चारों तरफ लगाएंगे और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। एक और स्लाइस लेते हैं और इसे भी तवे पे प्लेस कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से चारों कोनों पे लगा के, थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसी साइड से पकने देंगे। अब लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, इसे पलट के देखते हैं कितना सिका है। थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं जेंटली इसको, ऐसे करके देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है और सारी सब्जियां अपना अलग अलग रंग दिखा रही हैं। देखिए है ना, थोड़ा सा घी लगाएंगे दूसरी साइड से भी। आपको जितना क्रिस्पी चाहिए, अगर आपको कम क्रिस्पी चाहिए तो आप ज़्यादा मत क्रिस्पी कीजिए, और अगर ज़्यादा चाहिए तो दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लीजिए। इसे वही मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट प्रेस करके, ये साइड इसकी पूरी पक चुकी है, आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। अगेन 3 मिनट हो चुके हैं, 2.5 से 3 मिनट। अब मैं इसे पलट के देखती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड भी क्रिस्प और ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे तवे से नीचे तक ये प्लेट में डालना है। ये देखिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है।
कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर भी परफेक्ट आया है, सारी वेजिटेबल्स भी दिख रही हैं। अब हम इसे सॉस के साथ सर्व करते हैं। देखिए रेड सॉस एंड देन ग्रीन सॉस, और हाँ ये ऊपर से चिली फ्लेक और ऑरेगानो थोड़ा सा डाल देंगे, ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इनके ऊपर, इवनली स्प्रेड कर देंगे। और ये चिली फ्लेक्स है, ये देखिए। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगती है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।